माँ के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जानना चाहते हो माँ क्या होती है, जानना चाहते हो माँ क्या होती है तो उनसे पूछो जिनकी नहीं होती। आए हाय, वाह वाह। प्रीति मिश्रा जी ने मुझे कहा था कि ये मदर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किया है तो आप माँ पर जरूर कुछ लिखेंगे जी। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ लेकिन मैंने लिखने का प्रयास किया है, पहली बार आपके बीच पढ़ूंगा चार पंक्तियां। स्वागत है। आप सम्मान देंगे तो देश भर में पढ़ पाऊंगा। अब यह आप पर निर्भर है कि ये देश भर में पढ़ने लायक है या नहीं है। स्वागत बिल्कुल। कि केवल जन्म देकर नहीं होती मुक्त, केवल जन्म देकर नहीं होती मुक्त, देती हमें संस्कार है माँ तेरे हम पर अनगिनत उपकार। वाह। केवल जन्म देकर नहीं होती मुक्त, देती हमें संस्कार है माँ तेरे हम पर अनगिनत उपकार है। तू नहीं करती नफरत, तू नहीं करती नफरत, होती कुछ क्षण नाराज है, तेरी नाराजगी में भी छिपा रहता प्यार है माँ तेरे हम पर अनगिनत। आए हाय, वाह। माँ तेरे हम पर अनगिनत उपकार है। राजा हो या रंग, राजा हो या रंग, सभी तेरे दिल में पाते एक जैसा अधिकार है। राजा हो या रंग, सभी तेरे दिल में पाते एक जैसा अधिकार है माँ तुझे शत शत नमस्कार है। वाह वाह। मैं जितना अच्छा बोल सकता था वो बोल चुका। आपके अपने शहर से हूं, निहान में यहां आए हुए लोग नागपुर से कितने यहां आकर बसे हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर मैं शायद यही मानकर चलता हूं कि नागपुर के बाहर वाले ही यहां आकर बसे होंगे। जब से निहान बना है तब से दिल में इच्छा थी कि यहां जाकर के कविताएं सुनाना चाहिए। वाह। वो इच्छा आज प्रीति जी ने पूरी की, इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वाह। मेरे परिचय में कहा गया कि मैं प्रोफेसर हूं, नागपुर में एक बस्ती है यहीं से इसी दिशा में थोड़ा सा अंदर जाने के बाद खामला, वहां एक सिंधी कॉलोनी एरिया है, सिंधी कॉलोनी करके एक बहुत बड़ा एरिया है, उसी एरिया में मेरा कॉलेज है। इस बात को ध्यान में रखना और आनंद लेना। स्वागत है। मैंने क्लास में एक दिन एक बच्चा, मैं मेरा परिचय शिक्षक के रूप में दिया गया तो वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत। कि मैंने क्लास में एक दिन एक बच्चे को पूछा, मैंने बोला बेटा बताओ 2 रुपए में 1 किलो आलू तो 10 रुपए में कितने, तो बोले सर 4 किलो। मुझे बड़ा खराब लगा, मैंने उसको डांटा, मैंने बोला यार आगे जाके तुझे भी यही काम करना है, तेरे पिताजी की दुकान है, ऐसा हिसाब करेगा तो कैसा चलेगा। बोले सर मेरे बाप को तुम्हारे से ज्यादा मैं अच्छे से जानता हूँ, घर को जाके गिन के देखना 4 ही निकलेंगे। अभी कोरोना का इतना बड़ा खतरनाक काल समाप्त हुआ, एक बार तो इस बात के लिए ताली बजा दो कि उससे बच गए इसलिए आज यहाँ बैठे। प्रभु कृपा आप पर भी थी, हम पर भी थी, हम भी बहुत सारे पॉजिटिव हुए थे पर फिर भी निगेटिव होते होते आप तक पहुंच गए। ये पहली बीमारी थी जिसमें निगेटिव होने पर खुशी होती थी। अब ऑनलाइन का दौर था, ऑनलाइन शिक्षा हुई, आपके भी बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा ली, अब वो ऑनलाइन शिक्षा कितनी अच्छी थी इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि ऑनलाइन क्लास के दौरान मैंने बच्चे को प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। ऑनलाइन क्लास के दौरान मैंने बच्चे को पूछा कि बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तो उधर से उसकी माँ का जवाब आया, बोले सर आप पढ़ा रहे ये सत्य है और ये पढ़ रहा है ये आपका भ्रम। अरे वाह भाई। और जब ऑनलाइन पढ़ाते थे तो ऐसा मोबाइल रखना पड़ता था, और जब ऐसा मोबाइल रहता था तो हमारा छत भी दिखाई देता था, अर्थात हमारी औकात दिखाई देती थी। नहीं, बहुत से लोगों का बहुत कुछ दिख गया।
तो एक दिन बच्चे ने मुझसे, मैंने बच्चे को पूछा कि बेटा बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? तो बोले सर आप पढ़ा रहे हैं और आपकी ये टूटी फूटी छत आप पे गिर जाए तो ये दुर्घटना होगी और बावजूद इसके आप बच गए। यार 90 चैनल वाली पीढ़ी है, ये कब किसको कहां क्या से निपटा दे कोई भरोसा नहीं। मैं एक दिन क्लास में गया, ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने पूरी क्लास मस्ती में लगी थी, मैंने क्लास को डांटा डपटा बिठाया, मेरा ध्यान गया कि एक बच्ची रो रही थी। मैंने बच्ची को बोला, मैंने बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही? तो बोले सर पूरी क्लास मेरे को बुआ जी बोल के चिढ़ाती है। मैंने खड़ा जा आप जो इसको बुआ जी बोलता। लगभग पूरी क्लास खड़ी हो गई, एक लड़का खड़ा नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो यार कम से कम एक तो अनुशासन में है। बोला क्यों है तू इसको बुआ जी नहीं बोलता? बोले नहीं। बोला क्यों? बोले सर पूरी क्लास अपने को फूफा जी बोल। अरे बहुत जो जो घटनाएं घटती है। तो मैंने एक दिन क्लास में एक बच्चे को पूछा कि मैंने बोले बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? बोले सर गांधी जी का जन्म हुआ था। मुझे अच्छा लगा कि आज के पीढ़ी के बच्चे को बापू के बारे में इतना तो पता है। मेरी हिम्मत बढ़ी, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा। अच्छा मैंने बोला ये बता 14 नवंबर को क्या हुआ था? बोले सर गांधी जी 1.5 महीने के हो रहे थे। अरे मैंने बोला क्यों, तेरे को सिर्फ बापू के बारे में पता और किसी के नहीं? तो बोले क्या करूं मुन्ना भाई ने उन्हीं पे फिल्म बनाई, दूसरे पे नहीं। वाह क्या बात है। अभी क्या होता है ऑनलाइन में रिजल्ट बड़े खतरनाक लगे, और इतने खतरनाक लगे कि बच्चों को भी आदत हो गई है। अभी ये वाली ऑफलाइन एग्जाम हुई तो एक बच्चा मेरे को आकर पूछा, बोले सर इसमें भी पास हो जाएंगे ना अपन? इसमें भी से आप समझ लो कि इसके पहले तो पास ही हुआ था वो। कई बच्चों ने तो कोरोना नाम की देवी बनाकर घर में फोटो रखी कि तू तो आता रहे, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं होता तब तक तेरा आना चालू रख, तो मैं अपना ग्रेजुएट हो जाता फुल। परिस्थिति ऐसी, मेरे बच्चे का भी रिजल्ट था, मुझे पूरा विश्वास था, तो मैंने उसको रिजल्ट लाने के लिए जाने के पहले बोला, मैंने कहा सुन अगर तू रिजल्ट लेके लौटा और एक विषय में फेल रहा और मैं अगर गार्डन में खड़ा 4 लोगों के बीच में रहा तो इशारे में मुझे समझा देना, अगर एक विषय में फेल रहा तो जय श्री राम बोल देना, मैं समझ जाऊंगा कि एक विषय में फेल है। 2 विषय में फेल रहा तो राधे कृष्ण बोल देना, मैं समझ जाऊंगा 2 विषय में फेल है। 3 विषय में फेल रहा तो बोल देना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, मैं समझ जाऊंगा 3 विषय में फेल है। मेरा लड़का रिजल्ट लाने गया, 2 घंटे बाद रिजल्ट लेके आया, गार्डन में मैं एक्सरसाइज करते खड़ा था, वो दूर मुझे देखते खड़ा हो गया, मैंने इशारे में पूछा क्यों? बोले पापा बोलो साचे दरबार। अरे परिस्थिति ये कोरोना ने बहुत विचित्र करके रख दी। अभी कोरोना का एक और दर्द आपको बताता हूं। कोरोना में लॉकडाउन लगता था, लॉकडाउन इतना खतरनाक कि कई दिनों तक घर में रहना पड़े, पर अपन तो महाराष्ट्र वाले, अपनी तो स्थिति इतनी खराब थी कि अपने मुख्यमंत्री को यह बताना पड़ता था कि अब जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है वो कड़क लॉकडाउन है। फिर और दिमाग खराब होता था कि अच्छा इसके पहले वाला कड़क नहीं था, आदमी जबरदस्ती घर में। और लगातार कई दिनों तक घर ही घर में रहने की वजह से क्या दुष्परिणाम आए मैं आपके बीच रखता हूं। अगर आपको लगे कि मैंने आपके दिल की बात कही है तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा, यहां से वहां तक ताली बजा के मुझे हिम्मत देना कि लगातार तक कई दिनों तक घर ही घर में थे अपन, तो क्या दुष्परिणाम देखने को मिले कि जो लगा करती थी कभी चंद्रमुखी,
जो लगा करती थी कभी चंद्रमुखी, वो ज्वालामुखी सा एहसास करवा रही है। हाँ हाँ, अंकल बोल रहे यस करेक्ट। नहीं, दर्द उनका नहीं है, सबका है। अब भाभी लोग बैठी है बड़ी संख्या में, इसलिए आप मानो मत मानो वो अलग बात है, मैं आपके दिल का दर्द समझ लूंगा। जो लगा करती थी कभी चंद्रमुखी, वो ज्वालामुखी सा एहसास करवा रही है, जिंदगी अनुभव के नए नए पाठ पढ़ा रही है। वाह, नए नए पाठ पढ़े अपन ने। तो काली तो बैठे तो फल्ली छीन दो ना। जब फल्ली सबने छीली, अब भाई आई नहीं रही तुमको तो मालूम है, तो एक कमरे की झाड़ू तुम ही लगा दो ना। जिंदगी अनुभव के नए नए पाठ पढ़ा रही है, और प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की चर्चा भी दिल को दुखा रही है। वाह, प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की चर्चा भी दिल दुखा रही है। अरे जिसे ममता कुलकर्णी समझ के ब्याह लाए थे हम, वो नखरे पूरे ममता बनर्जी वाले बता रहे। एक और आपको लॉकडाउन का दर्द बताता हूं कि एक काम कोरोना काल में हमने सबने किया है, ये बड़ी बारीक बात है, अच्छी बात है, अगर आप तक पहुंच जाए आपकी तालियां मुझे मिले, कि एक साबुन ने दूसरे साबुन से कहा, एक साबुन ने दूसरे साबुन से कहा, ये मनुष्य को क्या हो गया है, आजकल बड़ा हाथ पर हाथ धोए जा। आप ध्यान देना और सुनना, अगर आपको लगे कि यार मैंने कोई अच्छी बात नहीं है, तो एक साबुन ने दूसरे साबुन से कहा, ये मनुष्य को क्या हो गया है, आजकल बड़ा हाथ पर हाथ धोए जा रहा है। तब पहली ने कहा, तुझे नहीं मालूम, सुना है कोई कोरोना नामक राक्षस आया है, उसी के डर से मनुष्य ने हाथ धोने का चलन चलाया है। सुना है कोई कोरोना नामक राक्षस आया है, उसी के डर से मनुष्य ने यह हाथ धोने का चलन चलाया है। तब दूसरी ने कहा कि काश कोई ऐसा भी राक्षस आता, जिसके डर से मनुष्य अपने मन धोने का चलन चलाता। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि मनुष्य का मन अब मन नहीं रहा, बहुत मैला हो गया है, वो स्वार्थ द्वेष और नफरत भरा फैला हो गया है। स्वार्थ द्वेष और नफरत भरा फैला, क्या बात है भाई। एक और दर्द हमने कोरोना काल में झेला है, काम वाली नहीं आती थी। और काम वाली तो अपने जिंदगी का ऐसा अविभाज्य अंग है कि अगर वो ना आए बहुत बुरी स्थिति। मेरे यहाँ की काम वाली आई नहीं, और नहीं आने का कारण ये कि बोले बहन जी मेरे को भाभी पड़ोस वाले को कोरोना हो गया। मतलब कोरोना काल में काम वालियों ने फायदा भी बहुत उठाया, नहीं भी हुआ तो बोले हुआ, अब तुम कंफर्म करो, तुम्हारे में हिम्मत है तो बुला के देखो हुआ कि नहीं हुआ, छू के देखो हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे यहाँ की काम वाली आई नहीं 3-4 दिन तक, अब 3-4 दिन तक नहीं आई तो घर वाली को ही सब करना पड़ा। तो एक दिन मैं अब कॉलेज से लौटा तो देखा कि एक भाई पोछा लगा रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार एक हाथ काम वाली मिल गई लगता है। मैंने बड़े अदब से पूछा, मैंने बोला भाई आप कब लगे। उसने जैसे ही सिर ऊपर किया, अरे मैंने बोला तो अपनी वाली है। परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अपनी वाली काम वाली नजर आ रही थी। और फिर क्या था, फिर तो मेरे पे बम्बार्डिंग हो गई और मुझे ताने पे ताने सुनना पड़ा। एक ताना यहां तक सुनना पड़ा कि मेरे मायके चलो, तुम्हारे मोहल्ले में जितने लोग नहीं है उतने तो मेरे घर में नौकर है। अब ये सुनने के बाद मैंने कैसे भी हड़बड़ाहट में एक काम वाली लेके आया। अब काम वाली आई, उसको काम समझाया जा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा वो काम वाली बाई के माथे में जो टिकली लगी थी, महाराष्ट्र में टिकली बोलते हैं, हिंदी में बिंदी बोलते हैं, आप टिकली शब्द को याद रखना,
वो टिकली जो लगी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका आधा मस्तक ढका हुआ था। मेरा ध्यान गया तो मैंने बोला, मेरा भाई ये टिकली, बोले बाबूजी सुहाग का मामला है, लगाना पड़ता है, आप नहीं समझेंगे। मैंने मेरे घरवाली की तरफ इशारा किया, मैंने कहा देख भाग्यवान, एक ये है अनपढ़ गवार जो सुहाग के चक्कर में अपना पूरा मस्तक ढाके हुए है, और एक तू है पढ़ी लिखी, तेरा सुहाग कभी वो अलमारी में चिपका है, कभी वॉश बेसिन के आईने में चिपका है, एक दिन जब मैंने अपने आप को कमोड में चिपका हुआ पाया तो घर में मेरी जगह कहाँ आई है उस दिन समझ में आया। अब दूसरे दिन मेरी नजर पड़ी तो देखा टिकली थोड़ी छोटी हो गई थी, तो मुझे लगा यार चलो भाई सुधर रही है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है आप सुधर रहे, टिकली छोटी हो गई। बोले नहीं बाबू जी इनकी तबीयत ठीक नहीं। मतलब तबीयत का उससे क्या संबंध? बोले नहीं जैसी स्थिति में स्वाग उस स्थिति में टिकली। तीसरे दिन मैंने देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई थी। मैंने कहा क्यों? बोले हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। चौथे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई थी। फिर मैंने पूछा आप? बोले आईसीयू में आ गया है। पांचवे दिन टिकली बिल्कुल नहीं के बराबर थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने इशारे में पूछा तो उधर से जवाब आया बोले वेंटिलेटर पे। पांच छह दिन बाई नहीं आई, फिर बाई आई तो वापस टिकली पहले जैसी। तो मुझे लगा चलो यार अब ठीक हो गया। मैंने क्यों बाई ठीक हो गया? बोले नहीं वो तो कब का गया, मेरे वाला फिर टिकली मैंने वो दूसरा रख ली। समय बहुत कम है, खैर मैं एक रचना सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। मेरे तरफ दोहरी जिम्मेदारी है आज, वो बार बार मेरी ध्यान घड़ी पे इसलिए जा रहा है कि भाई साहब की ट्रेन न छूट जाए मेरे चक्कर में। तो ये एक छोटी सी रचना है, मैं मेरा परिचय दिया आदरणीय दीपक जी ने कि मैं व्यंग का कवि हूं, तो एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूं फिर एक रचना सुनाऊंगा। स्वागत। कि दूरदर्शन पर देख रहा था मैं संसद का सीधा प्रसारण, दूरदर्शन पर देख रहा था मैं संसद का सीधा प्रसारण, देखता क्या हूं कि लड़ने लगे आपस में सभी दल, चलाने लगे एक दूसरे पर लात घूंसे जूते और चप्पल, ये सीन देखकर मैं जैसे ही चिल्लाया तभी स्क्रीन पर एक स्टार मॉडल आया, लगा कहने मत घबराइए ये संसद का सीधा प्रसारण नहीं था, ये तो सीधा साधा विज्ञापन था, अरे हम तो केवल ये बता रहे हैं कि हमारे कंपनी के जूते और चप्पल सिर्फ पहनने के ही नहीं देश की ज्वलंत समस्या हल करने के लिए है। वाह देश की ज्वलंत समस्या, वाह 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 वाह। तो चुनाव में अपनी जीत पर, चुनाव में क्या होता है, आज राष्ट्रपति जी यहां थे, दो दो मुख्यमंत्री नागपुर में थे, तो आते आते सिक्योरिटी बहुत थी, जहां वहां गाड़ियां रोक रहे थे, हमारी भी गाड़ी रोकी, जैसी गाड़ी रोकी तो अंतु भाई मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल चुप रहना, इसको मैं निपट लूंगा। मैंने बोला तू मध्य प्रदेश का, तू महाराष्ट्र की पुलिस कैसे निपटेगा? बोले यार तुमको नहीं मालूम मैं निपट लूंगा, मैंने ये पुलिस वालों की बहुत झटके सहे है। अब जैसे ही पुलिस वाला करीब आया तो उसने मेरे पूछा बोले लाइसेंस? तो अंतु भाई बोले नहीं है। बोले गाड़ी के कागजात? तो अंतु भाई बोले नहीं है। बोले बाहर आओ? तो अंतु भाई बोले वो भी नहीं है। बोले बाहर आओ नहीं है मतलब? मतलब बाहर आने के बाद जो औपचारिकता करना पड़ता है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। तो बोले फिर आगे? तो बोले चालान फाड़ो। तो पुलिस वाला थोड़ी देर तो सोच में पड़ गया, बोले इतने कॉन्फिडेंस के साथ चालान फाड़ो बोल रहा है? बोले तुम चालान फाड़ो। उसने चालान बुक लिया,
बोले नाम बताओ। अंतु भाई को पूरा विश्वास था महाराष्ट्र की पुलिस पे। अंतु भाई ने नाम बताया, बोले नाम लिखो प्रद्युम। पहली बार में तो समझे नहीं उसके अपने महाराष्ट्र, वैसे भी ट्रैफिक वालों को एक झटके में समझ में आता नहीं, तो उसने अपनी नागपुरी स्टाइल में आ तो जैसे ही आ गया तो इनने फिर से जोर से बोले प्रद्युम्न। उसने पूरी ताकत लगाया और सिर्फ प्र तक पहुंचा, द्युम्न कैसा लिखते उसको जमेंगे। उसने निर्णय लिया, अच्छा बोले जान दो छोड़ो हटाओ बाप का बताओ। बोले दृष्ट द्युम्न, बोले प्रद्युम्न के प्रॉब्लम थे तो दृष्ट द्युम्न तो और कठिन। अच्छा बोले जान दो सरनेम बता, बोले एर्नाकुलम। बोले काम कर गाड़ी ले जा तू और अपने बाप को समझाया जा ढंग का नाम। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। क्या वो दो तीन बाबी उठ के चले गई थी तो मुझे लगा कि मैं गलत ट्रैक पे आ गया, तो मैं वापस ट्रैक पे आया था। फिर बाबी लोग वापस आ गए, उनको स्वागत करता हूँ। चुनाव में अपनी जीत पर एक नेता मुस्कुरा रहा था, चुनाव में अपनी जीत पर एक नेता मुस्कुरा रहा था, मन ही मन भोले मतदाता का उपहास किए जा रहा था, क्योंकि मतदाता ने उसे इस बार भी भारी मतों से विजयी किया था। यही बात नेताजी जब अपनी पत्नी को बताने गए तो सुन नेताजी की सारी बातें, पत्नी उत्साह उल्लास और उमंग की बजाय स्तब्ध हो गई और ठंडी आहें भरते हुए बोली, मेरे और मेरे देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य में और 5 साल की देरी हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। वाह मित्रों, हालांकि समय बहुत है पर मैं इजाजत मांगते हुए 3 मिनट किए साल। अंतु भाई ने बच्ची पे कविता पढ़ी, आज माँ का दिन है। माँ का कोई दिन नहीं होता वैसे, माँ का दिन मनाना मैं समझता हूँ माँ का सम्मान करना नहीं है। माँ तो 24 घंटे दिल में बसी होती है, चाहे आप मानो या मत मानो। थोड़ी सी सुई भी टूट अच्छी टच होगी तो वही माँ निकल जाता है, तुम्हारे दिल में है इसलिए निकलता है। पर हाँ, नारी शक्ति को समर्पित करते हुए मेरी ये छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूं। मैं कॉलेज में लेक्चरर हूं, 2 बेटियां हैं मुझे। दूसरी बेटी जब मेरे परिवार में जन्म ली थी तो मैंने वो खुशियां अपनी प्रिंसिपल से बांटना चाही, और मैं एक मिठाई का डब्बा लेकर प्रिंसिपल मैडम के पास गया तो प्रिंसिपल मैडम ने उत्तर में जो बात मुझसे कही उसने ये रचना लिख दी, स्वागत है। मैंने डब्बा दिया, मैंने मैडम बोला मिठाई है, बोले किस उपलक्ष में है सर? मैंने कहा मैडम मुझे दूसरी बेबी हुई है। तो मैडम ने तपाक से बोला, बोले अजीब बात है आप लड़की होने पर भी मिठाई बांटते हैं। मुझे बहुत खराब लगा कि क्या किसी लड़की को इतना हक नहीं कि वो इस धरा पे जन्म ले तो उसकी खुशी में मिठाई बांटी जाए। और ये बात वो बोल रही है जो स्वयं एक महिला है, पढ़ी लिखी है, PhD होल्डर महिला है, वो ये बात बोल रही है कि आप लड़की होने पर मिठाई क्यों बांट रहे। तो जो दिल में चुभन हुई थी उसने जो लिखा वो कागज में उतारा वो आपके बीच रखता हूँ। कि अपने देश में घटना घटी थी, दामिनी नाम की लड़की पर दिल्ली में बलात्कार हुआ, बस में उस पर रेप हुआ, हत्या हो गई, सारे चैनल ने उसको दिखाया। वो दिन है और आज का दिन है, किसी भी दिन का अखबार उठा लो और पढ़ लो तो आपको कोई ना कोई नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना पढ़ने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग करते हैं जिनके नसीब में बच्ची के प्यार का एहसास भी नहीं आया होगा वो इस तरह का करने का सोच सकता है। जिनके नसीब में बच्ची के प्यार का एहसास भी अगर आया होगा तो उसके मन में कभी इस तरह के भाव आ नहीं सकते। तो वो बच्ची के प्यार का एहसास क्या होता है वो मेरी रचना के माध्यम से मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आपने मुझे बहुत सराहा, बहुत इज्जत दी, ये 3 मिनट की मेरी रचना आप स्वीकार करेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बच्ची को प्रतीक मानकर दुनिया भर की बच्चियों के सम्मान में जो लिखा वो आपके बीच रखता हूं कि जगह जगह मुझको मिलती है मेरी बच्ची। आहा, जगह जगह मुझको मिलती है मेरी बच्ची, हर बच्ची में मुझको दिखती मेरी बच्ची। वाह, जगह जगह मुझको मिलती है मेरी बच्ची, हर बच्ची में मुझको दिखती मेरी बच्ची,
धीरे धीरे चलती है मदमस्त हवाएं जब गोदी में खेलती है मेरी बच्ची। वाह, धीरे धीरे चलती है मदमस्त हवाएं जब गोदी में खेलती है मेरी बच्ची, और सजना सवरना कभी नहीं भाया उसको। बच्चा कैसा भी दे अपने लिए प्यारा होता है, सजना सवरना कभी नहीं भाया उसको, फिर भी सुंदर परी से दिखती मेरी बच्ची। क्या बात है, वाह 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 वाह। कर्ज का पहाड़ भी छोटा लगता है, कर्ज का पहाड़ भी छोटा लगता है, बड़े होकर जब हिम्मत देती मेरी बच्ची। आए हाय, वाह वाह। और एक एक कौर भारी लगता मुझको तब, एक एक कौर भारी लगता मुझको तब, जब आस पास नहीं दिखती है मेरी बच्ची। वाह क्या बात है, एक एक कौर भारी लगता मुझको तब, जब आस पास नहीं दिखती है मेरी बच्ची, और घर आने में मुझको जब भी होती देर। अब जो लड़का और लड़की दोनों के माता पिता होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे कि घर आने में मुझको जब भी होती देर, अपनी माँ के साथ जागती मेरी बच्ची। वाह क्या बात है, वाह वाह। बच्चा कभी नहीं जागेगा। वाह, घर आने में मुझको जब भी होती देर, अपनी माँ के साथ जागती मेरी बच्ची, और तीज त्योहार सब अधूरे लगते, तीज त्योहार सब अधूरे लगते, जब बुखार में सोई रहती मेरी बच्ची। हाय हाय वाह, तीज त्योहार सब अधूरे लगते, जब बुखार में सोई रहती मेरी बच्ची। और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के दिल का दर्द है कि अपनी दवाई भी महंगी लगने लगती है, अपनी दवाई भी महंगी लगने लगती है, जब माँ अंत में एक खिलौने की जिद करती है मेरी बच्ची। क्या बात है, वाह। अपनी दवाई भी महंगी लगने लगती है, जब माँ अंत में एक खिलौने की जिद करती है मेरी बच्ची। और ये रे, आप मेरी बात कितने सहमत है नहीं है, लेकिन इस बात को मानना कि मत कहो पराया धन तुम इनको। हमारे समाज की परंपरा है कि हम बच्चियों को पराया धन बोलते हैं, कि मत कहो पराया धन तुम इनको, दिल की तिजोरी की असली संपत्ति है मेरी बच्ची। वाह क्या बात है, दिल की तिजोरी की असली संपत्ति है मेरी बच्ची। और मेरी पूरी बात से आप सहमत है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात एक बात से हर बच्ची का पिता सहमत होगा कि जिंदगी में एक बार हर बच्ची के पिता के दिल में यही जज्बात उभर कर आते हैं कि तू इसको ले जाने की जल्दी न कर राजकुमार। जब वो अपनी बिटिया को विदा करता है तो यही भाव उसके मन में होते हैं कि तू इसको ले जाने की जल्दी न कर राजकुमार, मुझको अब भी नन्नी लगती मेरी बच्ची। हाय हाय वाह वाह। और एक घटना से आपको अवगत कराता हूं, अभी ताजी घटना है। अमरावती जिले का एक सैनिक शहीद हुआ, उसके मृत शरीर को लाया गया उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके गांव में, तो उसकी 3 साल की बच्ची उसकी लाश को लिपट के रो रही है। ये फोटो बहुत से न्यूज़पेपर में छपा था, शायद आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैंने भी देखा। मैंने वो फोटो देखने के बाद ये समझने की कोशिश की कि वो 3 साल की बच्ची जब अपने बाप की लाश को लिपट के रो रही होगी तो उसके दिल में क्या आया होगा, उसने क्या कहा होगा। शायद उसने यही कहा होगा कि रुलाना तो एक दिन मैं आपको चाहती थी पापा, रुलाना तो एक दिन मैं आपको चाहती थी पापा, आप ही मुझे रुला गए, और विदा तो मैं होना चाहती थी आपके हाथों, आप मेरे हाथों विदा हो। वाह क्या बात। तो अंत में एक पंक्ति के साथ मेरी बात छोड़कर मैं आपसे विदा ले रहा हूं कि ये दिल की बात है, इसे दिल से ही लेना। फूलों सी कोमल होती है सबकी बच्ची। वाह, फूलों सी कोमल होती है सबकी बच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद।